पेंटिंग के बनती है, वहाँ जा रहे हैं हम आपको दिखाने के लिए कि पेंटिंग कैसे बनती है। और पेंटिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज अलग ही तरह के पेंटिंग जो है राधा कृष्ण जी की। इस पेंटिंग के अंदर आपको पता चलने वाला है कि पेंटिंग की साइज, पेंटिंग का लुक पता चलने वाला है। दोस्तों ट्रैफिक के अंदर देखिए, मैं आपके लिए पेंटिंग दिखाने के लिए लाइव, देखिए ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो रखा है। देखिए ट्रैफिक के अंदर हमारे कैमरामैन और मैं आज सिर्फ आप ही के लिए आए वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को देखने से पहले जो भी चैनल पर है वो सब्सक्राइब, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो चैनल को जो पुराने सब्सक्राइबर है वो भी कर दीजिए। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों पेंटिंग के बारे में जरूर बताइए कि पेंटिंग कैसे लगी है, क्योंकि पेंटिंग को बनाने में हमारे कैमरामैन की और मेरी भी बहुत मेहनत लगी। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक अमेजिंग पेंटिंग। इस पेंटिंग के अंदर आपको पता चलेगा कि राधा कृष्ण जी की एक न्यू लुक की पेंटिंग आई है, जो अभी तक आपने शायद नहीं देखी होगी। मैंने जितनी भी पेंटिंग दिखाई है वो कुछ कुछ उनमें से राधा कृष्ण जी की भी हुई है, और तो कोई अलग अलग पेंटिंग हुई है। दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिए कितनी शानदार पेंटिंग दिखी राधा कृष्ण जी की। अभी तक मैंने जितनी पेंटिंग दिखाई है वो भी राधा कृष्ण जी की थी, लेकिन देखिए न्यू लुक में है। देखिए इस पेंटिंग के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ये न्यू लुक का फ्रेम, देखिए आप एक फ्रेम देखिए, लकड़ी का फ्रेम है ये, तो कितना शानदार है। इस फ्रेम की खासियत ये है, ये जो फ्रेम है जब वॉल पर लगाया जाता है तब ये फ्रेम जो है वो गिरता है, तो इसके कोई डैमेज नहीं होता। इसके ऊपर एक लेयर लगी हुई है जो पन्नी, देखिए कितनी शानदार तरीके से लगाई हुई है, जो पता भी नहीं चलता। दूसरी बात दोस्तों, पेंटिंग के अंदर की डिज़ाइन, इसकी फिनिशिंग देखिए दोस्तों। दोस्तों इसके ऊपर जो कांच लगे हुए हैं दोस्तों, आपको दिखा दूँ, और देखिए साइड में मोर की क्या डिज़ाइन की हुई है। देखिए दोस्तों कितनी शानदार डिज़ाइन, देखिए राधा जी देखिए सामने, और कृष्ण जी देखिए कितनी शानदार डिज़ाइन है। देखिए फूलों के अंदर डिज़ाइन बनाई हुई है, जिसमें कृष्ण जी हाथ में बांसुरी बजाते हुए दिखाए गए, और राधा जी देखिए, कृष्ण जी भी देखिए मुकुट पहने हुए हैं, और मोर के पंख सामने देखिए, और राधा जी हैं जो श्रृंगार कर रही हुई हैं। मैंने आपको पहले भी ऐसी कई पेंटिंगें दिखाई है जिसके अंदर राधा कृष्ण जी भी है, और साथ ही अलग अलग पेंटिंगें भी है। लेकिन दोस्तों ये जो पेंटिंग है न्यू लुक के अंदर आई है, इसके अंदर देखिए जो कान्हा जी का मुंह है वो देखिए कितनी शानदार तरीके से बनाई गई है। पेंटिंग भी कितनी शानदार है, देखिए इन्होंने श्रृंगार कर रखे है, और पेंटिंग के आसपास ये डिज़ाइन देखिए कितनी शानदार लग रही है। देखिए पेंटिंग के आसपास की डिज़ाइन देखिए दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको हर एक पेंटिंग के बारे में बताया, समझाया और सिखाया, और पेंटिंग के अंदर क्या है, क्या खासियत है, क्या है उसके अंदर। और दोस्तों ये जो चमकने का कारण है ये कांच लगा हुआ है इसके। मैंने आपको जितनी पेंटिंग दिखाई है वो यूवी की हुई है, यूवी पर है, एलन की ऊपर। लेकिन दोस्तों मैंने आज आपको इसलिए बताया इस पेंटिंग के बारे में, आपको भी पता चल सके, और अगर ऐसी पेंटिंग कुछ देखनी है आप तो आप पीछे जाकर भी देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको चाहिए तो आप भी मंगा सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए कितनी शानदार पेंटिंग है, इस पेंटिंग के बारे में आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। देखिए कितनी शानदार लग रही है, देखिए दोस्तों आराम से देखिए, देखिए क्या डिज़ाइन की हुई है, देखिए मोरों की डिज़ाइन, देखिए दोस्तों फ्रेम का लुक, देखिए दोस्तों कितनी शानदार लग रहा है, इतना बढ़िया डिज़ाइन दोस्तों आपने कहीं देखा नहीं होगा अभी तक। वैसे तो दोस्तों मैं ये हर एक पेंटिंग के बारे में आपको बताता है हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे लगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा राधा कृष्ण जी की पेंटिंगों के बारे में बताऊँ, क्योंकि राधा कृष्ण जी की पेंटिंग अभी बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, चल रही है। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो मुझसे मंगा सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए और मंगा लीजिए दोस्तों, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए मंगवा दूँगा। चलिए दोस्तों ठीक है।
गाइस कैसी लग रही है मेरी ये वीडियो, ये टेढ़ा मेढ़ा पूरा 50% फ्री लिखा हुआ है इसके ऊपर, 5 रुपये का है अभी मेरी कुछ ज़्यादा नहीं भूल सकता मैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और कुरकुरा भी आप लोग भी खाइए।